देश और दुनिया के करोड़ों राम भक्तों की धार्मिक भावनाएं अब जल्द ही पूरी होने वाली हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में बन रहे राम मंदिर का स्वरूप अब सामने आने लगा है। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है और 20% में फर्श और खंभों पर कलाकृतियों को उकेरने का काम तेजी से चल रहा है। ग्राउंड फ्लोर की दीवारों पर की गई नक्काशी बेहद खूबसूरत दिख रही है। इन खंभों पर उकेरी जा रही कलाकृतियां प्रचलित रामायण की कथा का गान करेंगी और श्रद्धालुओं को रामायण काल का एहसास दिलाएंगी। नगर शैली में निर्मित हो रहा राम मंदिर 161 फीट ऊंचा, 350 फीट लंबा और 260 फीट चौड़ा है। मंदिर में नृत्य मंडप, रंग मंडप, ग्रह मंडप और फिर सबसे पीछे गर्भगृह और उसका शिखर होगा। गर्भगृह में एक ऐसा चमत्कारिक काम किया जा रहा है। गर्भगृह को कुछ ऐसे बनाया जा रहा है कि यहाँ विराजमान रामलला के ललाट को चैत्र रामनवमी के वक्त 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक सूर्य की किरणें प्रकाशमान करेंगी। निर्माण का काम ये कहा जाए तो 80% पूरा हो गया है, 20% फिनिशिंग का काम बाकी है। फिनिशिंग के काम में आप देख रहे हैं कलाकार जो है खम्भों पर रूप काम के काम को प्रारंभ कर चुके हैं, उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। फिनिशिंग वर्क खम्भों का, मूर्तियों का, अन्य जो बारीक काम कह सकते हैं वो चल रहा है। इसके बाद फर्श के काम की पारी आती है और फर्श का काम शुरू हो जाएगा। इनले वर्क फर्श के ऊपर फर्श बनने के साथ ही साथ होगा, जिसको कालीन कहते हैं। फर्श पर ऐसा एक डिज़ाइन विशेष प्रकार की बनाई जाएगी, वो मार्बल में होगी, सफेद मार्बल में होगी, नंबर 1 क्वालिटी का मार्बल होगा जो फर्श पर आगे लगाया जाएगा। इस पर गंभीरता से कार्य चल रहा है। चूंकि इस अचंभित करने वाले दृश्य को संपूर्ण विश्व के राम भक्त देखना चाहेंगे और दिन बहुत कम होंगे तो इसके लाइव प्रसारण की भी व्यवस्था की जा रही है। राम मंदिर के भूतल तल का निर्माण की समय सीमा दिसंबर 2023 रखी गई है। इसके लिए लगातार 500 कारीगर काम में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या की दशा देख रहे हैं आप, कैसे कैसे बदल रहे हैं। आने वाले 6 महीने 5 महीने के अंदर बदली हुई अयोध्या दिखाई पड़ेगी, राम मंदिर का भव्य स्वरूप दिखाई पड़ेगा। इस बदले हुए स्वरूप को कौन नहीं देखना चाहेगा, चाहे भारत में हो चाहे भारत में रहने वाला राम भक्त हो, सब कोई आकर के देखना चाहते हैं। निश्चित रूप से हम मकर संक्रांति के बाद अपेक्षा करेंगे उनका ये कल्पना साकार हो। जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के बाद रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और फिर मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। इसी के साथ पहली और दूसरी मंजिल के बनने का काम भी जारी रहेगा। राम मंदिर को 5 साल के भीतर बनाने का समय तय किया गया था, जिसमें से 3 साल गुजर चुके हैं और आने वाले अगले 2 साल में मंदिर बनाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। तो ऐसी और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।